खेल के नाते से सही है दादा, किसी भी प्रकार के खेल हो, एक स्वस्थ प्रतियोगिता से जब खेल भावना से खेल खेला जाए तो निरंतर व्यक्ति की प्रगति होती रहती है, क्योंकि इस प्रगति करने में प्रतियोगिता भाव ये जरूर रहना चाहिए कि मैंने जो हासिल किया है कल इससे ज़्यादा हासिल करूं, और ये भावना केवल खेल की भावना से ही आ सकती है। खेल खेलने में हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर तीनों का बलशाली होना जरूरी है। हमने अगर बुद्धि नहीं लगाई तो केवल शरीर के बल से भी बात नहीं बनती, बुद्धि लगा ली, बल नहीं हुआ, ताकत नहीं हुई तो भी खेल में सफलता मिलती नहीं है। इन दोनों का संतुलन बिठाने के लिए और एक टीम भावना से चलने के नाते, क्योंकि खेल एक अकेला कई बार टीम में नहीं जीत सकता, उसको सबको साथ लेकर चलना होता है, पूरी टीम को साथ लेकर के चलने के लिए खेल भावना होना बहुत जरूरी है। वैसे तन मन बुद्धि इसका संयम, इसका एक संगम, इसके नाते से खेल भावना खेलते हैं। हमने हरियाणा में बच्चों में भी जो खेल भावना पैदा होती है, तो छोटे बच्चों को खेल नर्सरी के माध्यम से, अभी लगभग 1100 खेल नर्सरियाँ चल रही हैं, कल ही हमने बजट में 400 नई खेल नर्सरी बनाने की बात कही है। कैच देम यंग, ये जो भावना होती है उस नाते से हर गांव-गांव में हमारे नए खिलाड़ी नए नए खेल में आगे बढ़ें, ये काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इस नाते से, चाहे वो छोटे खेल के मैदान हो, चाहे बड़े खेल के मैदान हो, स्टेडियम हो, चाहे वो मंडल स्तर के हों, यानी खंड स्तर के हों, जिला स्तर के हों, स्टेट लेवल के अथवा इंटरनेशनल लेवल के, नेशनल लेवल के, हर प्रकार के स्टेडियम हरियाणा के अंदर बना रहे हैं, इसको और आगे बढ़ा रहे हैं। हमने एक खेल के नाते से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ये भी बनाई है, जो अभी खेल राइस का जो खेल स्कूल है उसको यूनिवर्सिटी के अंदर बदला है, ताकि खेल का जो विज्ञान है वो भी बच्चों को, नौजवानों को पढ़ने का उसको अवसर मिले, और उस नाते से खेल की बहुत सी विधाएँ उनको आगे बढ़ा सके, ताकि इस खेल को हम देश और दुनिया का, हरियाणा को और आगे बढ़ा सके, ये हमारा उद्देश्य। केंद्र और हरियाणा सरकार को भी खेल मैच के लिए क्या कहना, 2 महीने बाद क्या कहना चाहेंगे? बताया, वो एक खेल है, खेल भावना से सबको खेलना चाहिए, चाहे उसमें सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, कभी भी अस्वस्थ प्रतियोगिता नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ चुनाव आयोग के द्वारा बनाए गए जो नियम हैं उन नियमों का पालन करते हुए और जन जागरण करते हुए आगे बढ़ें, तो उस प्रतियोगिता में से निश्चित रूप से जो भी रिजल्ट निकलेगा वो हम सबको स्वीकार करेंगे। खेल के नाते से किसी भी प्रकार के खेल, एक स्वस्थ प्रतियोगिता से जब खेल भावना से खेल खेला जाए तो निरंतर व्यक्ति की प्रगति होती रहती है, क्योंकि इस प्रगति करने में प्रतियोगिता भाव ये जरूर रहना चाहिए कि मैंने जो हासिल किया है कल इससे ज़्यादा हासिल करूं, और ये भावना केवल खेल की भावना से ही आ सकती है। खेल खेलने में हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर तीनों का बलशाली होना जरूरी है। हमने अगर बुद्धि नहीं लगाई तो केवल शरीर के बल से भी बात नहीं बनती, बुद्धि लगा ली, बल नहीं हुआ, ताकत नहीं हुई तो भी खेल में सफलता मिलती नहीं है। इन दोनों का संतुलन बिठाने के लिए और एक टीम भावना से चलने के नाते, क्योंकि खेल एक अकेला कई बार टीम में नहीं जीत सकता, उसको सबको साथ लेकर चलना होता है, पूरी टीम को साथ लेकर के चलने के लिए खेल भावना होना बहुत जरूरी है। वैसे तन मन बुद्धि इसका संयम, इसका एक संगम, इसके नाते से खेल भावना खेलते हैं। हमने हरियाणा में बच्चों में भी जो खेल भावना पैदा होती है, तो छोटे बच्चों को खेल नर्सरी के माध्यम से, अभी लगभग 1100 खेल नर्सरियाँ चल रही हैं, कल ही हमने बजट में 400 नई खेल नर्सरी बनाने की बात कही है। कैच देम यंग, ये जो भावना होती है उस नाते से हर गांव-गांव में हमारे नए खिलाड़ी नए नए खेल में आगे बढ़ें, ये काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इस नाते से, चाहे वो छोटे खेल के मैदान हो, चाहे बड़े खेल के मैदान हो, स्टेडियम हो, चाहे वो मंडल स्तर के हों, यानी खंड स्तर के हों, जिला स्तर के हों, स्टेट लेवल के अथवा इंटरनेशनल लेवल के, नेशनल लेवल के, हर प्रकार के स्टेडियम हरियाणा के अंदर बना रहे हैं, इसको और आगे बढ़ा रहे हैं। हमने एक खेल के नाते से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ये भी बनाई है, जो अभी खेल राइस का जो खेल स्कूल है उसको यूनिवर्सिटी के अंदर बदला है, ताकि खेल का जो विज्ञान है वो भी बच्चों को, नौजवानों को पढ़ने का उसको अवसर मिले, और उस नाते से खेल की बहुत सी विधाएँ उनको आगे बढ़ा सके, ताकि इस खेल को हम देश और दुनिया का,
हरियाणा को और आगे बढ़ा सके, ये बड़ा उद्देश्य। केंद्र और हरियाणा सरकार को खेल मैच के लिए क्या कहना है, दो मिनट में बात क्या कहना चाहेंगे? बताया वो एक खेल है, खेल भावना से सबको खेलना चाहिए, चाहे उसमें सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, कभी भी अस्वस्थ प्रतियोगिता नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ चुनाव आयोग के द्वारा बनाए गए जो नियम हैं उन नियमों का पालन करते हुए और जन जागरण करते हुए आगे बढ़ें, तो उस प्रतियोगिता में से निश्चित रूप से जो भी रिजल्ट निकलेगा वो हम सबको स्वीकार।